आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद पूर्व हलके के सदर की नियुक्ति की गई। मैं आपको जो तो एक अच्छी सूचना देने जा रहा हूँ कि एक सीनियर लीडर जो तकरीबन 10 साल कॉरपोरेटर रहे, ऐसे हमारे वालिद साहब के मरूम वालिद साहब के दोस्त जनाब हिदायत अंकल को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद पूर्व हलके का हम लोगों ने जो तो सदर मुंतखब किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में कॉर्पोरेटर रहते हुए अच्छा काम किया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो पूर्व हलके में बढ़ाएंगे और जो है तो सिर्फ पूर्व हलके में ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर अच्छा काम करेंगे, यही उम्मीद मैं रखता हूँ और यही इसी की मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ। इसी के साथ साथ जो हमारे फसी भाई है जो रशीदपुरे से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी आज जो है तो औरंगाबाद सिटी जो है तो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से नवाजा गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर वो भी अच्छा काम करेंगे और जमात को मजबूत करेंगे। 14 लोगों को अलग अलग पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वार्ड सदरों की पोस्ट है उसके अंदर और हमारे हैंडीकैप जो है तो डिवीजन की भी पोस्टों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लाड़ के खासदार साहब है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब है, समीर साजिद बिल्डर साहब है, शारिक नक्शबंदी साहब है, इन्होंने जो हमारे ऊपर जो भरोसा करे और भरोसा करके पूर्व अध्यक्ष जो दिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनके भरोसों की कायम रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस को मजबूत करेंगे, पूरे शहर के अंदर काम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मौका दिया फिर एक बार खिदमत करने का, पार्टी की भी खिदमत करेंगे, लोगों की भी खिदमत करेंगे, पब्लिक की खिदमत तो चालू रहती, कुछ नहीं रहने के बाद भी आज भी हमारा ऑफिस चालू रहता। अल्लाह ने मजलिस का जो है पूर्व अध्यक्ष दिया है हमारे खासदार साहब ने और डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने जिम्मेदारी दी और ये जिम्मेदारी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे खूबी से निभाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।